हाँ चल गया आपका चैप्टर। हाँ ये वाला सब खत्म हो गया था। अरे 3 नंबर का सब खत्म, अब बचा था क्या 4 नंबर। क्या कह रहा है, 0.9999 डॉट 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 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, यही कह रहा है। यानी इसको मिटा दें, 0.999 डॉट 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 अनंत तक, बोल रहा है इसको पी बाय क्यू के रूप में लिखें, पी बाय रूप में लिखें। और इसके बारे में बोल रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्यचकित हैं, क्या ऐसा भी आंसर आ सकता है? या अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर का सार्थकता पर चर्चा करें। यानी बोल बोल रहा है इसका जो उत्तर निकलेगा उस पर चर्चा करें अपने दोस्तों के साथ और अध्यापक के साथ। तो देखिए इसको पी बाय क्यू के रूप में लिखना है, पी बाय क्यू के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, तो कैसे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। इसको उतारेंगे जैसे का तैसे, तो 0.999 पॉइंट इतना ऐसे, और इतना बराबर को हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब बनाए तो बनाइए। तो 10, इसको 10 से गुना करने के लिए बोले थे कि तब तक 10 से गुना करेंगे जब तक ये पॉइंट ना हट जाए, ये पॉइंट नहीं हट जाए। देखिए कैसे पॉइंट हटता है, 10x हो जाएगा। इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 10x होगा कि नहीं, और इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 9.99999 ये डॉट डॉट तक जाते रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये डॉट डॉट दिया है। और इसका, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए बोले थे कि नहीं, ये इसके जगह पे ये भी लिख सकता था, 0.9 के ऊपर बार ये भी लिख सकता था। हाँ यानी ये जो फुदक रहा था इसको फुदकना बंद कर सकते थे एक डंटा लगाकर, और किसी को भी डंटा लग जाता है तो वो ऑटोमेटिक रुक जाता है। अब डंटा लगेगा तो माथा कौन भंगवे करेगा, भंगेगा तो रुकवे करेगा। हाँ तो वही चीज़ इसमें है कि ये डॉट 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 का मतलब इधर नहीं, इतना जितना पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति मतलब कि पुनः आते जाता है वही चीज़। इस डंडा का नाम है रेकरिंग, पुनरावृत्ति, बार, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम और सब लोग कहता है बार, 0 पर पावर, 0.9 पर पावर बार। बात समझ रहे हैं, समझना ही पड़ेगा, समझिएगा नहीं तो जाइएगा कहाँ। तो अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, यहाँ पे इक्वेशन ये सेकेंड हो गया, क्या हो गया, हमको पी बाय क्यू के रूप में लाना है। किसके रूप में लाना है, पी बाय क्यू के रूप में लाना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में, समीकरण 1 को, ये 1 समझिएगा साथ में, 1 को घटाने पर, घटाने पर, क्या बात समझ में मेरी आ रही है। तो समीकरण 2 क्या ये है, तो समीकरण 2 को पहले उतारेंगे, जिसको बोल रहे हैं जिसमें घटाना है उसको पहले उतारना है। अगर बोलेंगे कि 9 में 5 को घटाइए तो पहले किसको उतारोगे, 9 को कि 5 को, 9 को। उसी तरह इसमें बोल रहे हैं समीकरण 2 में 1 को घटाइए, तो समीकरण पहले 2 को उतारेंगे, किसको उतारेंगे, तब 1 को, 1 नंबर को उतारेंगे, 9.9999 डॉट 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 ऐसे। यानी ये जा रहा है इसे, 9.0 हाँ। तो 1 मिनट आप बात समझिएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर समीकरण 1 क्या है, एक्स है, एक्स है कि नहीं, एक्स है। तो ये कितना है, इसका मान कितना है, 9.999 इतना है कि नहीं, ये वाला समीकरण तो इतने है। ये अब सोचते होंगे कि इसमें इतना 9 आ गया, 5 गो 9 आ गया, और इसमें 4 गो है। सर शुरू में 9 कैसे आया था, इस शुरू में 9 कैसे आया, ठीक इस बात को समझिएगा कैसे आया। ये 9.999 है, ये सीमित है,
ये इसके आगे डॉट नहीं है, ये आगे नहीं जा रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है, ये रुकल है, क्या है? रुकल है। तो इसको अगर मान लीजिए कि हम 10 से गुना कर लेते हैं, ये 10 से गुना कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 9.99 हो गया। हाँ इतना आएगा। मोबाइल है, मोबाइल से गुना करके देखिए, अगर मोबाइल है तो मोबाइल से भी गुना करके देखिए, इतने आएगा। और उसमें क्या था, यहाँ डॉट लगल था, मतलब कि ये और आगे तक जा रहा था, तो ये गुनो इधरों अगर डॉट लगल है तो इधरों एगो नो चिपका दिए तो क्या फ़र्क पड़ गया, कोई फ़र्क पड़ा क्या? इधरों एगो नो और लगा दिए तो कोई फ़र्क पड़ा क्या? यहाँ और भी लगाएंगे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं तो हम घटाने के लिए दोनों में पॉइंट के बाद दोनों में सेम लाएँ घटाने के लिए, कि ताकि घटने के बाद जो है कि इधर का जीरो आ जाए और इधर जो बचे वही मेरा क्रियाकलाप हो। बात समझ रहे हैं? तो अब बताइए यहाँ पे घटाव लगाएंगे, इसमें भी ये घटेगा, इसमें भी ये घटेगा। अगर 10x में एक गो x घट गया तो क्या बचा? 9x। क्या बचा? 9x। और इसमें से ये जीरो, इधर पॉइंट है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये बच गया 9। क्या बच गया? 9। यानी x बराबर आ जाएगा 9/9। ये 9, इसका मतलब ये इधर 0 0 आ जाता, इससे आपको मतलब है ये नहीं, कोई मतलब है क्या? नहीं है, सिर्फ 9 से, क्योंकि पॉइंट अगर 8 पॉइंट हम 0 0 लिखते हैं या 8 लिखते हैं तो दोनों बात तो सेम ही है। या 1 रुपया लिखें इस तरह से, 1 रुपया लिखें या तो ऐसे 1 रुपया लिखें, दोनों बात सेम है, दोनों बात। अगर इस रुपये में थोड़ा सा इधर चेंज हो जाता तब दोनों के बात में अंतर होता, तब दोनों के बात में 1 रुपया। लेकिन अगर 0 0 है तो कोई अंतर नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 9 उठ के इधर गुना में है तो इधर किस में आ जाएगा? और ये क्या बन गया? 1/1। और इस प्रश्न का आंसर यही होगा, इस प्रश्न का आंसर। हाँ तो आप लोग उतार सकते हैं इसको, क्यों होगा? ये 9 9 नहीं कटेगा, 9 से ये 1 बार में, ये भी 9 एक से 1 बार में। 9 का टेबल पढ़ो, 9 को 1 बार पढ़ोगे तो क्या 9 आता है क्या? ये 9 से अगर कटाए तो ये भी 1 बार में और ये भी 1 बार में, यानी 1/1। बोल रहा था P/Q के रूप में लिखने के लिए, इसीलिए हमने 1/1 लिखा, इसीलिए हमने। हालांकि इसका आंसर से 1 भी सही हो सकता है और 1/1 भी आंसर सही हो सकता है, क्योंकि 1 से भाग लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी संख्या पर। बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर हो गया 1/1, और आप लोग की किताब के अनुसार यही 1/1 होगा। चलिए उतारिए आप लोग, आप लोग का एक टाइप का प्रश्न छूट गया था, कौन टाइप का? एक टाइप। और बाकी बात सब करा चुके हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पहले वाले वीडियो जाके देखें, ठीक। यानी इस टाइप का आप लोग का छूटा था 0.235 इस तरह से है, और एगो के ऊपर वार है तो इसको कैसे करेंगे? कर लीजिएगा, कीजिए हमको, क्या लिखिए इसको P/Q के रूप में, इसको P/Q के रूप में लिखिए, लिखिए, कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए नहीं बना है तो आप समझिए, P/Q के रूप में लिखने बोले थे इसको, लेकिन ये को डंटा था इसलिए हम लोग को थोड़ा सा अड़चन हो रहा था, हम लोग को थोड़ा सा अड़चन हो रहा था। हाँ, कहे कि डंटा के आगे तो किसी का भी बस नहीं चलता है, तो इसको बस चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, या डीजल पेट्रोल कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ तो समझिए, इतना बराबर दिया था कि P/Q के रूप में निकालें, P/Q के रूप में निकालें, तो क्या हम इसको P/Q के रूप में नहीं निकाल सकते क्या? चलिए देखते हैं, ये 0 पॉइंट मिलाइएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, गलत है। तो 2 3, ये 5 ना रिपीट हो रहा है, ये 5 के ऊपर ये बैठा हुआ है डंटा, 5 को रोक के रखा हुआ है, तो 5 को अब रोकने नहीं देना है, इसको बोलना है भागते रहो, भागते
रहो। और समझ रहे हैं, और इतना बराबर हम x मान लेंगे। इतना सा चीज को हम इतना सा लिख सकते हैं कि नहीं? 100% लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, और इसको x मान लिए, इसको x, अब x 10 मानना है। इसको शॉर्टकट भी बताएंगे, इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट में बहुत बेहतर है। हाँ, शॉर्टकट भी बताएंगे, देखना देखिएगा आप लोग। तो अब इसको 10 से गुना करें क्या, 10 से गुना करें क्या, करते हैं। तो 10 से गुना करेंगे तो ये 10x, ये हो जाएगा कितना, 2.3555। ये डॉट 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 जाते रहेगा कि नहीं। ये क्वेश्चन सेकेंड, ये तरीका नहीं सीखेगा ना, जो शॉर्टकट खाली सीख के रहेगा तो वो कभी भी फंस सकता है, और ये तरीका जो सीखा रहेगा वो कभी नहीं फंस सकता है निकालने के लिए। भले ही टाइम लगे, भले ही टाइम लगेगा, लेकिन गलत नहीं निकलेगा, लेकिन गलत नहीं निकलेगा। और वो शॉर्टकट है, उसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है वहाँ से तुम गलत भी निकाल सकते हैं आप लोग, समझ। हाँ, तो ये तो अभी अगर मान लीजिए कि यहाँ से इसको घटा दें तो क्या जीरो इधर जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। एक बार और 10 से गुना करके देखते हैं। हेलो शांतिस बेटी, आप लोग, तो इसको फिर से 10 से गुना करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये 5555 डॉट 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 ये आते रहेगा, ये आते रहेगा। बात समझ रहे हैं क्या, बात समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में। अच्छा ठीक है, अब देखिएगा, अगर इस सोचिएगा कि इसमें अगर इसको घटाएं तो क्या ये घट सकता है क्या? हाँ। क्या यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, और यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ 2 3 5 5 है, क्या ये पॉइंट के बाद 2 3 5 है क्या? नहीं घट सकता, नहीं घट सकता, लेकिन 0 पॉइंट के बाद 0 नहीं बन सकता है, पॉइंट के बाद 0 नहीं बन सकता, हमको पॉइंट के बाद 0 बनाना है। क्या इसमें इसको घटा दें तो क्या ये घट सकता है, यहाँ 0 इधर आ सकता है क्या? नहीं आएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, 5 में अगर इसका बात छोड़ दें, अगर इसका बात करें तो ये 5 में अगर 3 जाएगा तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? 2। मतलब कि अभी तक तो काम नहीं बन रहा है 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। एक बार और इसको 10 से गुना करेंगे, इसको अब इसको यानी प्रत्येक जो है, पहले इसको 10 से गुना किए, फिर इसको 10 से गुना किए, फिर इसको 10 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1100 होगा कि नहीं? तो वही 100 को 10 से गुना किए, और इसको बाद इसको भी 10 से गुना करेंगे, इसको भी 10 से गुना करेंगे तो ये 2355555 यानी डॉट 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 है, तो इधर जितना 5 लिख सकते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बताइए कि हमारा काम बन रहा है, बताइए कि अब हमारा काम बन रहा है क्या? यही क्वेश्चन 4 हो गया, क्या हो गया, क्या अब हमारा काम हो रहा है क्या? अब देखिए ना, यहाँ पॉइंट के बाद 5 5 5 है क्या, और यहाँ भी देखिए तो पॉइंट के बाद 5 5 है क्या, मतलब अब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, अब घटाएंगे तो 0 आना फिक्स है, अब घटाएंगे 0 आना फिक्स है। इसका मतलब अब समझ में आ गए, अब लगता है कि आप लोग को समझ में आएगा, 100% आएगा। इसीलिए तो हम एक सवाल को 4 5 बार करा देते हैं। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे तरीके वाले तो अब लिख सकते हैं इक्वेशन 4 में, इक्वेशन तीसरा को ना घटाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 5 5 5 किस में दिख रहा है, तीसरा में दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, यानी बड़का में छोटका को घटा देना, बड़का में छोटका को घटा देना। तो छोटका कौन, 3 वाला है, छोटका कौन है, 23 वाला, हाँ ये 23.55 वाला है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा इक्वेशन थर्ड को घटाने पर क्या हमारी बात समझ में आया आप लोगों को? तो इक्वेशन फोर्थ क्या है, 1000x बराबर 2355
0.55555 ये जाते रहेगा, ये अनंत तक जाते रहेगा, इसको कोई अभी माँ बाप रोकने वाला नहीं है, नहीं है। तो अब देख इसमें देखिए ई ठोक घटाना होगा, किसको घटाना होगा, ई ठोक को। तो इसमें क्या 100x बराबर कितना है 23.55555 .. अब लोग तो घटाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, घटाने में तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे। चलिए देखिए, अरे डंटा सीधा खिंचाना, 1000x में से 100x को घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 1000x में से अगर 100x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 900x बचेगा। का है एगो x घटा रहे हैं क्या, नहीं घटा रहे हैं, 100x घटा रहे हैं। तो यहाँ से अब इसमें ये तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इधर डॉट 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 है तो उधरों जीरो आता होगा, उधरों जीरो आता होगा, ये भी ये जीरो। अब पाँच में तीन घटा तो कितना बचा, दो, और यहाँ एक, और यहाँ तो। क्या क्या हमारी बात यहाँ तक सबको समझ में आया, क्या आया, तो आगे भी समझिए। तो ये अब इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं होता, इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं होता। इतना दूर तक उतार लीजिए आप लोग, इसके बाद हम थोड़ा सा मिटा के इधर करते हैं, ठीक, ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए आगे समझिए, क्या कर रहा, इतना आया था, इतना तो आ गया था। तो यानी हम 900x बराबर 212 लिख सकते हैं क्या, इस x के साथ 900 किस में है, गुणों में है, तो इधर किस में जाएगा, 212 बटे 900, और यही इस प्रश्न का आंसर है, यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है, p by q के रूप में आ गया, ये p है और ये q है। बात समझ में आया क्या, वेरी गुड, पहले बना लिया। अब इसका शॉर्टकट समझिए आप लोग, इसका शॉर्टकट समझिए, इसको शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, इसको पहले उतार लीजिए, छाप लीजिए, वहाँ तक भी छाप लीजिए, हो गया, हाँ, अरे आप लोग तो उतारने में तो एक्सपर्ट है, ये हैं शायद, दिमाग भी लगाने में एक्सपर्ट रहते हैं तो हमको इतना समझाना नहीं पड़ता, हाँ। चलिए तो इसको मिटाएं क्या, हाँ। मिटा लेते हैं, अगर हमको वीडियो डिलीटे मारना होता तो हम फिर लोड क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि इसमें कुछ और का भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, है कि नहीं। तो समझिए यहाँ इसको शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, शॉर्टकट कैसे बना, इसको इतने उतार लेंगे 0.235, इसके ऊपर बार है ना, इसके ऊपर इस बार को हटाने के लिए नीचे नो का इस्तेमाल करते हैं और ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है, ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है। बात समझ रहे हैं, शॉर्टकट में, शॉर्टकट में समझिएगा, ये बार हट गया और बार के पहले कई गो संख्या बिना बार वाला है, बिना रिकरिंग वाला कई गो संख्या है, तो दो गो है, तो यहाँ पे दो गो जीरो लगेगा, जितना पे वार नहीं है उतना नीचे जीरो, अरे जगह पे वार है उतना नो। बात समझ रहे हैं, तो पहले वार वाला काम होता है और फिर जिस पे नहीं है उसका काम होता है, जिस पे नहीं है उसका काम होता है, और जो इसके आगे दिख रहा है बिना वार वाला उसको इसमें घटा देते हैं, इसको उसके इसमें घटा देते हैं। बात समझ रहे हैं, ये पांच पे वार था लेकिन ये दो तीन पे वार नहीं था, जो बिना वार वाला था उसमें उधर ले जाके घटा देते हैं, शॉर्टकट हुआ ये तरीका, ये शॉर्टकट तरीका। तो ये हो जाएगा फिर 212 घटा के देखिए, और 900 नीचे तो है ही है, यही ये शॉर्टकट तरीका हुआ और वो जेन्युइन तरीका हुआ, जो कि किताब वाला तरीका वो है, जैसे कि आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो वही तरीका से बनाना है, और अगर ऑप्शन वाला पूछे, ऑप्शन वाला, चार को ऑप्शन वाला होता है कि नहीं, ए
बी सी डी, इसमें चार को ऑप्शन देगा और इस तरह का चार को ऑप्शन बना के दे देगा, इसमें जो सही होगा उसको क्लिक कर देना है। क्या करना है, या तो इसमें चार को इस तरह का घेरा रहेगा और घेरे में जो जो ऑप्शन है बिंदा भर देना, हाँ तो उसको उसको रंगा देना है। अगर वो अगर ओ एम आर वाला दिया है तो उस तरह रंगा देना है। बात समझ रहे, तो इस तरह से ये वाला बनता है, एग्जाम देने मज़ा आता है। हाँ, जानने के बाद अगर नहीं जानते हो तब फिर मज़ा नहीं आता है एग्जाम देने में, जानते हो तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। हाँ, अगर नहीं जानते हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर मज़ा टूट जाएगा, तब तो लगेगा कि सजा आ रहा है, सजा आ रहा है मज़ा के लिए। हाँ, अगर आप जान रहे हैं कि अगर 100 प्रश्न आया है, 100 में से अगर आप 80-85 भी जानते हैं तो आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर उसमें से अगर 100 में से आप 50 प्रश्न जानते हैं और 50 नहीं जानते तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हमको 50 से कम आए या तो 70 से कम आए, कोई ऐसा नहीं चाहता है, तो क्या आप लोग चाहिएगा? बिल्कुल नहीं, पहले ना सुन लीजिए, हम फर्स्ट है, पहले भी होता था, पहले बहुत कम लोग फर्स्ट होता है, पहले यही सब पहले आदमी को पास करने से मतलब था। क्योंकि आज देख रहे हैं जो थर्ड डिवीजन भी कर किया है वो भी अच्छा खासा पोस्ट पे है, जो उस ज़माने में थर्ड डिवीजन भी किया है वो अच्छा खासा पोस्ट पर है। अभी तो 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है और उस समय 900 नंबर का एग्ज़ाम होता था, क्योंकि उस समय हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एग्ज़ाम होता, जैसे कि अभी तो सोशल साइंस में जो है जो लोग लीजिएगा सोशल साइंस में, उसमें सब आ जाता है, भूगोल वगैरह सब, राजनीतिक शास्त्र सब, सब कुछ आ जाता है। हाँ, लेकिन 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 उस समय और अभी साइंस में अगर साइंस का एग्ज़ाम देते हैं तो अभी आपका एक के में आ जाता है, लेकिन उस समय अलग अलग एग्ज़ाम होता था, फिजिक्स का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग, ये तीन को तीन पेपर तो ऐसे बन जाता था, तीन पेपर यानी उस समय सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट नहीं, एक एक गो किताब का अलग अलग एग्ज़ाम और अभी तीन गो किताब का एक एक गो एग्ज़ाम। तो इस तरह से आज आज जो है कि आप लोगों का ये वाला जितना भी तरह का सवाल था सब खत्म हो चुका है, तीन वीडियो में ये सब खत्म हो चुका है। और जिसको भी हमारा चैनल सब्सक्राइब मतलब कि सर्च करना है तो वो मंडल जी लिख के सर्च कर सकते हैं, मंडल जी MANDALZ, हाँ JEE, मंडल जी लिख के सर्च कर सकते हैं और हमारे सभी वीडियो आ जाएंगे, या तो STD1 चैनल का जो नाम है वो भी सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का नाम सर्च कीजिएगा तो और भी चैनल आएगा, लेकिन अगर ये चीज़ सर्च कीजिएगा तो सिर्फ मेरा चैनल आएगा और किसी का नहीं आएगा। आ सकता है एक आध को गाना, एक ठुक कौन सा गाना है, मंडल जी का बेटा हूँ ये वाला गाना आता है, लेकिन वो गाना को नहीं देखना है, वो गाना को हाँ YouTube भटकाने का दुनिया है, YouTube भटकाने का और भटकना नहीं है। हाँ, तो इस टाइप का सभी प्रश्न समाप्त हो चुका है, इस टाइप का सभी प्रश्न समाप्त हो चुका है, आगे आप लोग सीखें। और अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक। और जो आप लोग का छोटा मोटा सवाल है वो सवाल यूट्यूब पे जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उतनी भी छोटी सवाल कोई क्यों करेगा, आप लोग को ख़त्म करा देते हैं।